राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मथुरा रिफाइनरी के सहयोग से स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल टाउनशिप पर एक विशाल नशबंदी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सोमवार की सुबह मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शेर सिंह एवं मथुरा रिफाइनरी के CGM HRPT सोलंकी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शेर सिंह ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन के स्थायी एवं अस्थायी साधनों को अपनाना चाहिए। इस विशाल नसबंदी शिविर में शल्य चिकित्सकों द्वारा महिला एवं पुरुष नसबंदी की सेवाएं निशुल्क प्रदान की जा रही है, जिसमें लाभार्थियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी नियमानुसार पुरुष नसबंदी के लिए 3,000 रुपए व महिला नसबंदी के लिए 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। मथुरा रिफाइनरी के CGM HRPT सोलंकी ने बताया कि शिविर में लगभग 100 से अधिक महिला एवं पुरुष नसबंदी हेतु पंजीकरण कराए गए हैं। लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के साथ साथ मथुरा रिफाइनरी के सौजन्य से निशुल्क कंबल वितरण भी किए गए हैं। कार्यक्रम में परिवार कल्याण के नोडल अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार, राल CSC के प्रभारी डॉक्टर बिमल उपाध्याय, फरेस CSC प्रभारी डॉक्टर रामबीर, डॉक्टर अनुज कुमार, DHEIO जितेंद्र सिंह, ARO पंकज कुमार, परिवार नियोजन विशेषज्ञ पंकज पाठक, डॉक्टर पूर्वी प्रताप सिंह, संगीता यादव, BCPM शशिकांत, मथुरा रिफाइनरी के GM HR MD शर्मा, DG मेडिकल डॉक्टर डी नागपुरे, रजनी, AK गोयल आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल में नसबंदी कैंप का आयोजन है, विशाल कैंप है और ये पहला विशाल कैंप है, इसके बाद भी और लगाए जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है और जो गवर्नमेंट जितने संसाधन जुटाती है लोगों को रोज़गार के, वो कम पड़ते जाते हैं। अगर जनसंख्या पर कंट्रोल हो जाए तो हम जितने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल जो बनाए जाएं वो सफिशिएंट हो जाएंगे। तो इसका एक ही ये उपाय है कि या तो हम जो टेम्परेरी हैं इस संसाधन उनको अपनाएं, लेकिन हमारी जनता इतनी जागरूक नहीं है कि वो कॉपर टी, ओरल पिल्स, निरोध इनका इस्तेमाल करके ये जो जन्म दर है उसे रोक पाए। इसलिए एक परमानेंट मेथड भी चलता है, पुरुष नसबंदी और एक महिला नसबंदी, उसी के तहत ये महिला नसबंदी कैंप लगा गया है। इसमें जो महिला नसबंदी कराएगी उसे 2,000 रुपये मिलेंगे और पुरुष नसबंदी में उसे 3,000 रुपये है। और इस तरह से ये हम जो हमारी जो ग्रोथ रेट है 2.1 पर लाना है हमें, इस समय 2.67 है, करीब 2.67। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए ही ये व्यवस्था। लगभग कितनी महिलाओं ने आज इस समय लगभग 75 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लगभग 75 हो चुके हैं अभी इसमें। करीब कितना लक्ष्य है आपका? लगभग 150 का हमारी व्यवस्था है। पुरुष कितने रहे सर? पुरुष मेरे ख्याल से अभी शायद कोई पुरुष नहीं है, अलग से कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे ये पुरुष नसबंदी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ डेली है वो सुविधा, तो वहाँ से भी हो रही है। पिछली साल मात्र 50-52 पुरुष नसबंदी हुई थी और इस समय तक 350 पुरुष नसबंदी हो चुकी है। इस वर्ष आपका सर जनपद भर में कितने का लक्ष्य? करीब 9,000। स्वर्ण जयंती अस्पताल मथुरा रिफाइनरी द्वारा ही चलाया जाता है CSR इनिशिएटिव के तहत, और हमें खुशी है कि आज जिला चिकित्सा समिति स्वर्ण जयंती और इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी के सहयोग से हम आज ये नसबंदी कैंप का आयोजन किया है। ये सरकार का भी लक्ष्य है और हम सरकार के लक्ष्य में सहयोग करके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। जो सरकार जो अनुदान दे रही है पुरुषों और महिलाओं को प्रोत्साहन के रूप में, उसमें हमने भी कुछ जोड़ा है और हम हर एक लाभान्वित व्यक्ति को जो आज ये कैंप में हिस्सा लेंगे उसको हम भी कंबल का वितरण करेंगे, और ये बहुत ही नेक काम है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है।